मैं हूँ राजन प्रसाद, स्वागत है आपका टेक्निकल सर जी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपने किसी भी पीडीएफ फाइल जिसका साइज 40 MB या 50 MB या 60 MB की है, आप उस साइज को घटा के मात्र 5 MB या 2 MB या 1 MB में ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑफलाइन। इसमें आपको किसी प्रकार का डाटा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल पूरी ऑफलाइन काम करती है। तो वीडियो को लास्ट कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी समझ में आएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो इसके लिए आपको एक ऐप की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है पीडीएफ कंपोजर। तो यह ऐप आपको प्ले स्टोर या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एवं यह ऐप बहुत ही कम MB की है और इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है एवं यह ऐप से आप ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का नेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप प्ले स्टोर से किसी दूसरे ऐप को इंस्टॉल करते हैं आप अपने मोबाइल में, तो वो जब भी आप उससे अपना PDF का साइज को छोटा करेंगे तो आप अपलोडिंग के टाइम भी आपका नेट नुकसान होगा एवं डाउनलोडिंग का समय भी आपका नेट नुकसान होगा। लेकिन यह ऐप पूरी तरह से ऑफलाइन काम करती है। यहाँ पे देख लीजिए, मेरा डाटा ऑफ है एवं मैं आपको यहाँ पे एक PDF को छोटा करके दिखाता हूँ। प्लस वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप एक किसी भी PDF फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से यह 9 MB का यह PDF को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे लो, मीडियम, हाई, ये चीज़ आपको समझना है। यदि लो में कीजिएगा तो थोड़ा सा कम, मतलब आपका यदि 9 MB का है तो यह छोटा होकर 7 MB में होगा। यदि मीडियम कीजिएगा तो वो पूरे हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यदि हाई में कीजिएगा तो वो पूरी तरह से लो हो जाएगा। तो मैं इसको हाई में करता हूँ, ठीक है। हाई में जैसे करके ओके करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर तुरंत, मतलब बिना किसी नेट का ये काम करता है और वह देखिए ये हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए ये 9 MB की थी तो यहाँ पे 2.7 MB की हो गई है। तो आप इसी तरह से अपना किसी भी PDF फाइल को बहुत ही आसानी से ऑफलाइन में छोटा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ।